75 साल की उम्र हो चुकी है, हम 1965 का जंग भी जीत के आए हैं। ठीक है, हमारी प्रार्थना है कि जो काले कानून हैं इनको मेहरबानी करके वापस लिए जाएं। जितने देर ये प्रोग्राम चलेगा, चाहे 6 महीने चले, साल चले, जितना भी चले, जब संघर्ष चलता रहेगा, सेवा चलती रहेगी। आप इनकी सेवा करें तो भगवान आपकी सेवा, भगवान हमारी सेवा करेगा। लगी बाजार किस्मत की, जहाँ हर चीज बिकती है, लिखी जिसके मुकद्दर में उसे मुफ्त मिलती है। हम संघर्ष भी लड़ रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं जनता का रिपोर्टर। मैं खड़ा हूं इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास, जहां पर किसान पिछले 21 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस साइड देख रहे होंगे हजारों की संख्या में किसान यहां पर डटे हुए हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जब तक जो मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई है, जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी, जब तक इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से इन जो यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं हजारों और सैकड़ों की संख्या में, ये किसान भूखे और प्यासे नहा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कुछ किसान लोग हैं जो इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनको खाने पीने, इनके चाय का, इनके नाश्ते का, बिस्किट का, और आप इस तरह से यहाँ देख रहे होंगे इनकी दवाइयों का भी कुछ इंतजाम किया गया है। जिस तरह की अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो तुरंत यहाँ पे इनको दवाइयाँ, आपको बताते हैं ये दवाइयाँ यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है इनकी तरफ से। चाहे कोई जवान हो या चाहे कोई सामान्य इंसान हो या कोई किसान हो, अगर उसको किसी तरह की क्षति पहुंचती है या उसको किसी तरह की बीमारी होती है तो यहाँ पे तुरंत उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाती है। आइए हम यहाँ पे कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं। और सर, आपका नाम क्या होगा और आप कहाँ से हैं और आप कब से इस चीज़ पर डटे हुए हैं? सर जी, सर नाम है, नमस्कार सबको। हम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम यहाँ गुरुद्वारा बड़ापुरा की तरफ से सेवा चल रही है सब किसानों के लिए, जितने भी यहाँ किसान संघर्ष लड़ने आए हैं उनके लिए जो भी सेवा चल रही है, सब पानी, लंगर, सब चाय, नाश्ता, हर चीज़ की सेवा जहाँ उपलब्ध है। जितने देर ये प्रोग्राम चलेगा, चाहे 6 महीने चले, साल चले, जितना भी चले, जब संघर्ष चलता रहेगा, सेवा चलती रहेगी जी। सब कुछ हम चाहे कितने भी डंडे बरसाले, हम फिर भी उनकी सेवा करते रहेंगे, हम लाठियां खाते रहेंगे, लेकिन हम अपना संघर्ष को काले कानून वापस करके ही जाएंगे। वापस तब जाएंगे, काले कानून गवर्नमेंट वापस लेगी तभी हम वापस जाएंगे। चाहे कितनी लाठियां बज जाएं, हमें कोई चिंता नहीं, और हमारे जो सेवा करने का हमारा फर्ज है वो करते रहेंगे सेवा हमेशा। जितने भी पुलिस वाले अधिकारी खाना खा रहे हैं, हमें कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। इन भाई का कहना है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, चाहे जवान हम पे कितनी भी लाठियां बरसाएं या हम पे कितने भी अत्याचार हो जाएं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। और अगर कोई जवान अगर यहाँ पे चाय लेने या फिर बिस्किट या फिर पानी लेने आता तो उनकी भी सेवा करेंगे, चाहे वो इनके ऊपर अत्याचार हो। वो हमारे धर्म का सेवा करना, हम जितनी लाठियां बरसाए कुछ करें, हमारे धर्म में सेवा करनी हम करते ही रहेंगे, शांतिपूर्ण करते रहेंगे सेवा, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। आप पूछेंगे, आप अपना नाम बताइए और कहां से हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सोहन सिंह, परम संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, श्री हजूर साहब लंगर साहब वालों के सेवा लंगर की चल रही है। जब तक ये किसानों का संघर्ष चलेगा तब तक हम लंगर छकाते रहेंगे, और किसानों को, जवानों को, जो भी आएगा हम सबको छकाएंगे, चाहे हमारा दुश्मन आए चाहे हमारा दोस्त आए, हम सबको लंगर छकाएंगे। और मोदी सरकार की बेनती है कि ये काले कानून जो रद्द किया जाए। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप देख रहे थे जनता का रिपोर्टर और मैं हूँ सुरेश कुमार। तो कहना चाहता हूँ, इसी महीने की 25 तारीख को मेरे लड़के का तिलक लगने वाला है और मैं वो छोड़ दूंगा और यहाँ की सेवा जरूर करूँगा। इसी महीने की 25 तारीख को आपके बेटे का तिलक लगने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन आपकी मांग अभी भी यही है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी आप ऐसी तरह से डटे रहेंगे, घर पर नहीं जाएंगे, यहाँ डटे रहेंगे। अब आप अगर यहाँ पे डटे हुए हैं और जो घर पे जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसके जो इंतजाम वगैरह होते हैं, वो सब कैसे मैनेज होगा? भगवान करेगा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लग रहे होंगे भगवान करेगा। आप इनकी सेवा करें तो भगवान आपकी सेवा, भगवान हमारी सेवा करेगा। लगी बाजार किस्मत की, जहाँ हर चीज बिकती है, लिखी जिसके मुकद्दर में उसे मुफ्त मिलती है। हम संघर्ष भी लड़ रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। अब तो ऐसा है ना, कुछ सरकार को तो बात माननी पड़ेगी। ठंड में इतने कड़ाके की ठंड में भी आपको पानी का बौछार झेलना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम तो रहे सिर्फ में पानी में ही है, खेतों में पानी लगाते आ रहे हैं, ये उनके लिए दिक्कत है, मोदी माजी के लिए दिक्कत होगी जो अंदर रहते हैं। ऐसे पानी की कोई चिंता नहीं करते, ऐसी मेरा नाम जोगा सिंह है, मैं उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड के सिद्धारगंज से आया हूँ। और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भेजी है यहाँ के लिए, किसानों के लिए फ्री सेवा के लिए, फ्री सेवा के लिए भेजी है। और क्योंकि हम लोग किसान पहले हैं, व्यापारी यार वो बाद में हैं, क्योंकि हमारे जितना भी मेन जो है अन्नदाता हमारे किसान ही हैं, तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है
कि हम लोग भी उनकी ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि ये लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं एक तरीके से, और हमारा एक बनता भी हम उनका सहयोग करें, और जो भी उनकी किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता होती है उसके लिए दवाइयाँ जो हम एज ए फर्स्ट एड तरीके से लेके आए हैं सर्दी जुकाम बुखार के लिए, और जो भी किसी तरीके की परेशानी ना हो जाए। अच्छा, हम देसा सिंह है, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आ रहे हैं। हमारी 75 साल की उम्र हो चुकी है। हम 1965 का जंग भी जीत के आए हैं। ठीक है, हमारी प्रार्थना है कि जो काले कानून हैं इनको मेहरबानी करके वापस लिए जाएं। कातकार बहुत दुखी है, हम भी सड़कों पर पड़े हैं, और मोदी जी को निवेदन करते हैं और ये जो काले कानून हैं इसको वापस लीजिए। ठीक है, और जनता बढ़ती जा रही है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, तो जी मेहरबानी करके काले कानून को वापस ले लें।